Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back from Kerala. Yes, I am at Kerala right now. I am from Kerala. I am a Mallu. So last year मैं Kerala नहीं आ पाया था, तो इस साल मेरे को आना पड़ा. और जैसे कि हर साल हम आते हैं, Kerala पहुंच के I think एक दो दिन हो गया है, और I think एक हफ्ता मैं इधर रहूंगा, उसके बाद back to Mumbai. तो इधर बहुत सारे plans है, बहुत सारी चीजें करनी है, इधर मेरे को बहुत सारा shoot वगैरह करना है. तो मैंने मेरा helmet, jacket, camera सब कुछ लेके आया. तो अभी ऐसा कुछ specific plan तो नहीं है कि मैं निकलूंगा इधर से and मैं तुम लोग को थोड़ा सा मेरा घर एंड उसके आसपास का एरिया, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है. इधर नॉर्मली बारिश होता है, तो अभी वेदर थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं जल्दी निकलने का प्लान है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड. और मैंने मेरा बाइक का भी जुगाड़ कर ले लूँ, मेरे पास होंडा का INS है. आज हम इस पर जाएंगे, इस पर पूरा मैं ब्लॉग बनाऊंगा. तो आज का प्लान ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बट जब मैं मुंबई से आ रहा था ना, तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे मेरे बाइक के लिए एक अच्छा वाला हॉर्न लेना है. तो वो हॉर्न के तलाश में अभी मैं निकलूंगा, बट उससे पहले मैं तुम लोग को एक मस्त वाला ब्यूटी दिखाऊंगा. कल पूरा टाइम मैं उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्या है मैं आगे जाके दिखा दो. तो अभी फटफट हेलमेट पहन के इधर से निकल दो, क्योंकि क्लाइमेट बहुत अच्छा है. ये कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा पता ही नहीं. देखो बटरफ्लाई. ओके बॉयज, मैं पूरी तरीके से रेडी हो गया, मैंने शूज़ वगैरह पहन लिया. अनफॉर्चुनेटली जो मेरे राइडिंग बूट्स है वो मैं लेना भूल गया, बाकी सब कुछ ले लिया था. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो चीज़. ये देखो, मैंने हेलमेट में प्रॉपर माउंट तो कर दिया. ये जो है ना, ये क्ले, दिस इज़ बेसिकली वाटर प्रूफिंग वाला क्ले. घर पर बहुत सारा पड़ा था मैं, क्योंकि लास्ट टाइम मिल नहीं रहा था ना, जिधर से मैंने बहुत सारा ले लिया था. तो इस बार मैं जब Kerala आया, मैं भूल गया कि इधर बारिश होता है. और अगर मेरे माउंट के अंदर, अगर मेरे अडेप्टर के अंदर पानी गया, तो मेरा अडेप्टर ख़राब हो जाएगा. जैसे बारिश हो, निकाल के मेरे को रखना पड़ेगा अपना कैमरा अंदर. बाइक को ज़रा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत गर्म हो रहा है. चलो चले. ओ, इसका क्लच थोड़ा सा लूज है. अरे यार. अच्छा वैसे मैं एक चीज़ बोलना भूल गया. Kerala में ना हेलमेट पे कैमरा अलाउड नहीं है, पुलिस देखेगा तो पकड़ के ले लेंगे. इधर बाइक मॉडिफिकेशन के लिए भी बहुत रेस्ट्रिक्शन, बाइक ही नहीं हर तरीके के मॉडिफिकेशन के लिए भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इधर के लोग इतना तगड़े लेवल का मॉडिफिकेशन करते हैं ना, बाप रे. ये देखो, दिस इज द बीस्ट. एकदम परफेक्टली फाइन है ये, चालू होता है ये. ओके बॉयज, ये बाइक मैंने इधर रख दिया, अभी हम जाएंगे इस पे. इस पे बस थोड़ा सा मेरे को फ्यूल लाना, मैं कल लाके फ्यूल लाके रखा था. देखो मैं एक डेमो देता हूँ तुम लोगों नीचे क्या मेन स्टैंड पे नहीं है, स्टार्ट तो होना चाहिए. ओके बस इसमें ना थोड़ा सा फ्यूल डालना पड़ेगा मेरे को. ओके ये की निकलेगा नहीं ना, एक कल की है ना, मैंने घुमा दिया था इसमें ऐसे. ये ओहो, सर गियर थोड़ा सा अलग है. ओहो, ये गाड़ी चलाने के लिए बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा. तो मैं ABS ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ नहीं है, और इसका ब्रेक भी बहुत कम है. मैं सीधा ना, ओहो, खेत में गिर जाऊंगा. रे, रे, रे. ये मैंने लास्ट ईयर मैंने चालू किया था, पिछले साल मैं जब आया था ना तब मैंने चालू किया था, उसके बाद आज चालू कर रहा हूँ सीधा एक साल बाद. इसका गियर है ना सब नीचे है, 1 2 3 4 सब नीचे है, और सबसे ऊपर न्यूट्रल है. वो तो अपना स्पोर्ट्स बाइक का गियर कैसा होता है वैसे ही. ओके बॉयज, दिस इज़ माई हाउस. ये है मेरा फैमिली हाउस. अभी तो इधर कोई नहीं है, जब हम बचपन में आते थे ना, अभी देखो पूरा जंगल जंगल हो गया है इधर.
जब मैं बचपन में आता था ना, दिस वॉज माई हाउस। देखा क्या शांति है ना। एक्चुअली इधर ऐसा है ना कि फ़ोन में रेंज भी नहीं मिलता, इधर नथिंग, यू आर जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं काम करता, मेरा भाई को लेके आता हूँ, जंगल वंगल है, कोई शेर वेर लेके जाएगा मेरे को, व्लॉग कौन बनाएगा फिर। तो ये है अपना पूरा घर, अभी तो पूरा एकदम जंगल जंगल हो गया। ये देखो, इधर काओ बफेलो सब होता था, मैं बचपन में ना इनको लेके घूमता था, मेरी दादी आती थी हम लोग के साथ। एंड दिस इज़ द प्लेस जिधर मैंने मेरा बचपन गुजारा। मलयालम में इसको तोड़ बोलते, हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते मेरे को नहीं पता। लोग ये तो अभी तो पानी का लेवल बहुत कम है, नहीं तो पानी का लेवल बहुत ऊपर रहता और हम इधर नहाते थे, खेलते थे। सो दिस होल प्लेस इज़ आर्स। जिधर से मैं गेट से अंदर आना, उधर से हम लोग का चालू होता है। हाँ ये देखो, ये है सबसे पक्का हुआ, ये कलर आता है, इसको वॉश करके खाना पड़ता है, बाकी सब कच्चा है। ये है वो जगह जिधर डार्क हैन, बहुत बहुत सारे टाइप के बर्ड्स हुआ करते थे इधर। और इधर भी था, इधर ये ऐसा बंद था, इधर रैबिट होता था। तो आप लोगों ने शायद मेरे फोरहेड पे एक मार्क देखा रहेगा ना, वो इधर लगा है, इधर नहीं इधर लगा, इधर 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 मैं ऐसा हैन को पकड़ने आ रहा था और उठ रहा था और इधर लग गया। ओके भाई, गाड़ी इधर पार्क कर लिया हमने, अभी मैं तुम लोगों को एक स्पेशल इंसान से मिल रहा था। जब भी मैं गाँव आता था, मैं बचपन में उनके साथ ही सबसे ज़्यादा घूमता था। टुडे शी इज़ वेरी वीक, वेरी ओल्ड, वो टाइम पे बहुत स्ट्रांग थे। हेलो, जब मैं छोटा था ना, तभी हम एक गाय होता था और उसका बच्चा भी होता था, बच्चे को मैं लेके आता था, गाय को दादी लेके आती थी। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी यूज टू डू ऑल द वर्क। बैक टू हाइनेस, अभी क्या है ना कि वो जो समुराई है उसमें इंश्योरेंस पीयूसी वगैरह नहीं है, तो मैं उसको लेके उधर इधर घूम नहीं सकता। तो इट्स बेटर कि मैं इसको चलाऊँ। ये देखो, कल मैं यही जगह पे आया था और इधर बहुत अच्छा एक रेनबो था। पास में यही फ्यूल स्टेशन है, वैसे तो मुझे ये फ्यूल पंप उतना पसंद नहीं है खास, क्योंकि इधर का डेंसिटी बहुत कम रहता है, डेंसिटी नहीं दी है। ओके, आधे पिछड़ा मत 33। ओ इधर सब तो खुद से करना पड़ेगा। हाँ, मेरे हाथ पे साइलेंसर लगा। ऊला लगा, इस बारिश हो रहा है। इधर धूप है, सामने बारिश है। शेट, मेरा गोप्रो बिक जाएगा। ये देखो भाई, अभी जस्ट धूप था और अचानक से बारिश हो गया, अभी तो मैं नहीं निकल पाऊँगा बाहर, क्योंकि मेरा गोप्रो गीला हो गया ना, इसका माइक अडेप्टर ख़राब हो जाएगा। बट अभी अगर ये बारिश रुकता और फिर धूप आता है, फिर उधर पीछे मस्त वाला एक रेनबो दिखेगा। और वैसे तो मैं फट से भाग के जाऊँगा पीछे आप लोगों को दिखाने के लिए, मस्त शॉट आएगा, बट कैमरा में उतना अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं होता, वही प्रॉब्लम है। इस बारिश अभी रुक गया, तो अभी प्लान ऐसा है कि देखो उधर से सन रेज आ रहा है, तो तकरीबन ये साइड से रेनबो बन जाना चाहिए। तो अभी हम निकालेंगे अपना समुराई। अभी ऐसा प्लान है कि मैंने जैसा बोला कि मेरे को मेरा बाइक का स्पेयर लेना है, बाइक का हॉर्न लेना, तो उसके लिए भैया आ रहे हैं मेरे को लेके जाने के लिए, तो उनके साथ जाना। उससे वो आने से पहले मैं उधर जाके बस एक शॉट लेके वापस आता हूँ। चलो चले, यो सुजुकी समुराई। ओहो हो, लुक एट द व्यू। मैं पहुंच गया इधर, देखो क्या मस्त व्यू है आसपास, देखो कितना मस्त ओपन एरिया फुल।
फिलहाल तो अभी हल्का हल्का बारिश वापस से चालू हो गया है। आई होप जोर से बारिश ना गिरे। उधर से जो सन आने वाला है वो आने दो और इधर रेनबो बनेगा। लास्ट टाइम ये वाला एक पार्ट में रेनबो बना था जब मैं इसके लिए फ्यूल लेने गया था। तो अभी कुछ नहीं, बस मेरा कैमरा मैं टाइम लैप्स पे डालो और बस वेट कर रहा थोड़ा सा अच्छा टाइम लैप्स निकालने का। देखते ज़्यादा बारिश नहीं होना चाहिए बस। सुबह से इधर से निकलने का टाइम आ गया। क्या है ना कि इधर से बिल्कुल सन नहीं आ रहा है लास्ट टाइम जैसे। अभी भी बारिश हल्का हल्का गिर रहा है। डोंट थिंक ये बारिश अभी रुकेगा कुछ टाइम के लिए, और जब रुकेगा तब तक तो रात हो जाएगा। तो आज रेनबो देखने का नसीब नहीं है। तो जैसे निकलता ज़्यादा बारिश गिरने से पहले ये क्या हो रहा है।